इंडियन स्टूडेंट्स को एयरपोर्ट से फिर से वापस भेज दिया गया है और नॉट ओनली कनाडा के एयरपोर्ट से पर इंडिया के एयरपोर्ट से ही वापस कर दिया गया है उसका क्या रीजन है क्वारंटीन का जो लेटर है उसमें क्या इंपॉर्टेंट होना चाहिए कौन से सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी होने चाहिए अगर आप इंडिया से कनाडा के लिए ट्रैवल कर रहे हो स्पेशली स्टडीज के लिए और अगर किसी भी कॉलेज किसी भी यूनिवर्सिटी में ऑलरेडी इंडिया में बैचलर्स डिग्री कर रहे हो आप जितनी भी स्टडी होगी बाकी की स्टडी आप कनाडा आके कंप्लीट कर सकते हो और आपको डिग्री पूरी बैचलर्स मिलेगी और कनेडियन बैचलर्स डिग्री मिलेगी वो सब पॉसिबल कैसे हो सकता है उसके लिए देखिए हमारे साथ आज की ये वीडियो चेक चेक मैं हूं जॉनी हंस और लेके हाजिर हूं आज की ये खास वीडियो वेल well, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि इंडियन स्टूडेंट्स को एयरपोर्ट से क्यों वापस भेज दिया गया कौन सी गलती है जो स्टूडेंट्स बार बार करते हैं सबसे पहले देखा जाए तो दो स्टूडेंट्स हैं जिनको एक को मॉन्ट्रियल के एयरपोर्ट से और एक को टोरंटो के एयरपोर्ट से वापस भेज दिया गया इनकी प्रॉब्लम से वही थी फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग कि उनके पास ये प्रूफ नहीं था कि उनकी जो स्टडी की जो यू नो फाइनेंसेस हैं वो किस तरह आएंगे अगर आपने फीस एक साल की दे भी रखी है एटलीस्ट अपने दूसरे साल की फीस का जो अरेंजमेंट है उसको प्रूव करने के लिए अपने पास लेटर या फाइनेंशियल जरूर लेके आइए जो दिखा सके कि आपके पेरेंट्स के अकाउंट में पैसे हैं या आपके अकाउंट में पैसे हैं या किसी भी तरह का फाइनेंशियल प्रूफ जिससे वीजा ऑफिसर कन्विंस हो जाए कि यार आप यहाँ पे आके सिर्फ काम के लिए नहीं बल्कि आप स्टडी के लिए भी आ रहे हो सो दिस इज इंपॉर्टेंट थिंग जिसकी वजह से इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को हाल ही में वापस भेज दिया गया अदर इंपॉर्टेंट चीज ये भी है कि यार आप अगर 7 और 8 बैंड्स आपके आईएलटीएस के एटलीस्ट आप उनको आंसर दे सको जो एयरपोर्ट पे बॉर्डर ऑफिसर है अगर वो आपसे क्वेश्चन करते हैं तो यार कभी भी यू नो कॉन्फिडेंस मत लूज कीजिए कभी भी नर्वस uh, मत होइए अगर आपसे वो पूछें कि आपका प्रोग्राम कौन सा है आपने ये प्रोग्राम क्यों चूज किया कहाँ पे आपने रहना है आपका क्वारंटीन प्लान क्या है आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए इनफैक्ट बहुत सारे बच्चे आठ आठ महीने की वेट के बाद उनको जाके वीज़ा मिल रहा है अगर वीजा मिल रहा है देन प्लीज डू नॉट वेस्ट दैट चांस एंड एक और इंपॉर्टेंट चीज़ यार अगर वीजा मिल जाए ना तो इसका मतलब कि पोर्ट पे एंट्री गारंटी नहीं होती नहीं पूछता, पर अगर बॉर्डर पे आके ऑफिसर क्वेश्चन पूछता है यू हैव टू भी फुली प्रिपेयर फॉर दैट आप ये नहीं सोच सकते कि यार आपसे पूछा जाएगा और आपके पास आंसर कोई नहीं है आपको पता तक नहीं है कि आपके साथ आप कहाँ पे जाने वाले हो क्यों आप अगर आप दोस्तों के साथ रह रहे हो तो क्यों दोस्तों के साथ रहे क्योंकि इन्होंने पहले क्लियर यू नो गाइडलाइंस दिए रखी हैं कि यार क्वारंटीन प्लान आपके पास अच्छा होना चाहिए एंड यू शुड नॉट कम इन कॉन्टैक्ट विद अदर कनेडियंस राइट सो यू हैव टू बी वेरी मटिकुलरस अबाउट इट इसीलिए आप एक यू नो सेपरेट एयरबीएनबी ले सकते हो आप होटल की क्वारंटीन ले सकते हो आप अपने कॉलेज से बात कर सकते हो कि यार वो क्या रेकमेंड करते हैं जो आपके क्वारंटीन प्लान आपका देता है सारी चीजें वेरीफाई करके थर्ड थिंग आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस होनी चाहिए बॉर्डर ऑफिसर आपसे यह भी पूछ सकता है कि यार यू आर लैंडिंग समवेयर इन पेंडेमिक आपके पास कैनेडियन हेल्थ इंश्योरेंस है या फिर यू you नो know, आपने ट्रैवल इंश्योरेंस ले रखी है या फिर आपके पास यू you नो know, विजिटर इंश्योरेंस है सो दीज आर इंपॉर्टेंट थिंग्स दैट यू हैव टू कम एब्सोल्यूटली प्रिपेर विद आप जिस भी एजेंट के थ्रू आपने एडमिशन लिया है जिस जिन्होंने आपकी पूरी प्रोसेसिंग करवाई है उनसे यू नो क्वेश्चन कीजिए आस्क देम फॉर हेल्प आई एम श्योर वो हेल्प कर देंगे अगर आपको क्वारंटीन प्लान कहीं नहीं मिल रहा प्लीज फील फ्री टू कॉन्टैक्ट आर टीम मॉन्ट्रियल में इस वक्त हम आपको क्वारंटीन प्लान प्रोवाइड कर सकते हैं at एट अ वेरी अफोर्डेबल प्राइस you know in one of the really good hotels यहाँ पे space काफी अच्छी है and coming back to the other question अगर आप already यहाँ के किसी भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में स्टडी कर रहे हैं प्लीज इंडिया मत ट्रैवल कीजिए मत ट्रैवल कीजिए मत ट्रैवल कीजिए दैट मीन्स इट्स एन इमरजेंसी इमरजेंसी का मतलब समझते हैं ना इमरजेंसी अगर इमरजेंसी नहीं है तो ट्रैवल मत कीजिए यू नो बुआ के बेटे की शादी इज नॉट अ फ्रिकिन एमरजेंसी राइट और आपके दोस्त की यू नो गर्लफ्रेंड अभी मिलना चाहती है या उसके घर वाले क्या कहते हैं उसकी वजह से वो अपने पर्सनल ड्रामे की वजह से अगर आप ट्रेवल कर, करोगे तो हो सकता है आपको वापस आने के टाइम पे वो ना आने दे वो आपको सिंपली बोल सकते हैं कि आपकी क्लासेस ऑनलाइन है एंड इट्स नॉट मैंडेटरी फॉर यू टू गो टू कैनेडा एट द मोमेंट सो तीन चार महीने घर पर बैठिए

लेटर भी नहीं था कॉलेज का कि कि प्रूव कर सके राइट नाउ शी इज यू ट्रैवल करना है के साथ. अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट चीज मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा वो ये कि अगर जो भी दोस्त इस वक्त इंडिया you know, uh, की यूनिवर्सिटीज या कॉलेजेस में स्टडी करें बैचलर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन और बैचलर्स ऑफ हॉस्पिटैलिटी अगर आप फर्स्ट ईयर में या सेकेंड ईयर में भी हैं तो आप कनाडा में अपना थर्ड ईयर कंप्लीट कर सकते हो और आपके जितने भी क्रेडिट्स पॉसिबल होंगे उनको ट्रांसफर कर दिया जाएगा एक्सेंडा स्कूल ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट इस वक्त इंडियन स्टूडेंट्स के लिए कनाडा की डिग्री लेने के लिए क्रेडिट ट्रांसफर दे सकता है यूनिवर्सिटी में, में आप बाकी केमेस्टर होंगे वो यहां पर सकते हैं और आपकी फीस में भी उतनी ही रिडक्शन मिल जाएगी फॉर एग्जाम्पल जो आपके यहाँ पे चार साल की बैचलर्स होती है बाई जो चार साल की बैचलर है वो सिर्फ दो साल की रह जाएगी या ढाई साल की रह जाएगी और आपको कनी ियन बैचलर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन मिलेगी या बैचलर्स ऑफ हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट अगर आप ये चाहते हैं इफ यू वांट टू स्टडी दीज टू प्रोग्राम्स बैचलर्स डिग्री एक्सेंडा स्कूल ऑफ मैनेजमेंट तो उसके लिए आप हमारी टीम को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं अप्लाई एट चेक सर्विस डॉट कॉम फिर डिस्क्रिप्शन में हमने फॉर्म दे रखा है उस फॉर्म को फिल कर दीजिए यार विदाउट आयल हम स्टडी uh, के बेसिस पे आपकी एडमिशन नहीं करवा पाएंगे अगर अच्छा आयल स्कोर है तो बहुत सारी कॉलेज और यूनिवर्सिटीज इस वक्त आपको यू नो स्कॉलरशिप्स भी दे रहे हैं अपटू टेन थाउजेंड डॉलर की आप स्कॉलरशिप भी आपको मिल सकती है इस पर हमने एक सेपरेट वीडियो कर रखी है नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का भी लिंक दे देते हैं और ऊपर कार्ड शेयर कर देते हैं आप चेक कर लीजिएगा आपको हमारी वीडियोस ओवरऑल कैसी लगती हैं? फीडबैक जरूर दीजिएगा हमें अपनी वीडियोस के ऊपर और उसके साथ साथ यू नो कमेंट सेक्शन में कमेंट्स के साथ बता सकते हैं कि आप कैसे प्रिपेयर कर रहे हो अपने आप को अगर आपने ट्रैवल करना है कनाडा में और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए अगर वो इस वक्त ट्रैवल कर रहे हैं कि यार वो गलतियां ना करें जो ऑलरेडी स्टूडेंट्स कर चुके हैं उसी के साथ यू कैन ऑल्सो वॉच आर इंग्लिश चैनल विच इज कॉल एवरीथिंग अबाउट कैनेडा ऑन विच वी आर शेयरिंग डिफरेंट काइंड ऑफ इफॉर्मेशन रिलेटेड टू कैनेडा इफ कैनेडा इज योर ड्रीम लैंड और अगर स्टडी करनी है किसी कॉलेज किसी भी यूनिवर्सिटी में कैनेडा में, तो उसके लिए भी आप हमें विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट चेक चेक सर्विसज डॉट कॉम या फिर हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं बाय ई मेल अपलाई एट चेक चेक सर्विसेज डॉट कॉम पे इस यूट्यूब चैनल पर अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं कंसिडर कीजिए जी इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना और हिट कीजिए बेल बटन ताकि आप इस तरह की अच्छी वीडियोस कभी भी मिस ना कर पाए इसी के साथ मैं जॉनी हंस फिलहाल लेना इजाजत हंस दे रब रखा